अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें लास्ट टाइम जो चीज़ें डिस्कस की गई बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे से, हाउ टू फाइंड द कॉमन सोल्यूशन स्पेस। इक्वेशंस बनाते थे, टेस्ट सोल्यूशन लेते थे, डायरेक्शन मेंशन करते थे और देन फाइनली डिक्लेयर करते थे कि दिस वन इज आवर कॉमन सोल्यूशन स्पेस, दिस वन इज आवर कॉमन सोल्यूशन स्पेस। अच्छा, एक चीज मैं एक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आपने इसको खुद परफॉर्म करने हैं, खुद परफॉर्म करना। और वो क्या है, ये जो कॉमन सोल्यूशन स्पेस है, लाइक अगर मैं पिछली एक एग्जांपल लूं, ये वाली, ये कॉमन सोल्यूशन स्पेस है। आपने क्या करना है कि जो कॉमन सॉल्यूशन स्पेस है, इस कॉमन सॉल्यूशन स्पेस की आप कह लें कि ये बाउंड्री है, हाँ, फिर इधर को मुड़ जाती है ना, इधर को मुड़ जाती है, फिर इधर को मुड़ती है ये, और फिर इधर को मुड़ती है, ये इसमें इनक्लोज्ड है। अगर यहां से फर्ज करें स्टार्ट लेते हैं आप, तो ये कह सकता हूं ना कि ये कॉमन सॉल्यूशन स्पेस की नुक्कड़ है, कॉर्नर है, कॉर्नर है ये। जब आप चलते गया चलते गया चलते गए, नुक्कड़ आ गई, डेड एंड आ गया, आपने कहा मुड़ना पड़ेगा आगे, तो सॉल्यूशन स्पेस नहीं जा रही, तो आप कहेंगे ये फिर नुक्कड़ आ गई। ओके, ठीक है, कॉर्नर आ गया, इधर को मुड़ना स्टार्ट हुआ, आपने कहा ना ये फिर एक नुक्कड़ आ गई, थोड़ा सा और मुड़ना पड़ेगा। ओके, ठीक है, और इधर को मुड़ गए और एक इधर गए। ये जहां पर पॉइंट्स बाउंड्री के ऊपर दूसरी लाइन के साथ कोई कट करता है, हम उसे कहते हैं कि ये इस कॉमन सॉल्यूशन स्पेस के कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो इस फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस के चार कॉर्नर पॉइंट्स हैं। एक ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, और फोर्थ कॉर्नर पॉइंट ये है। कोई स्पेसिफाई नहीं है कि कितने कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, इस वक्त इस एग्जाम्पल में चार है। आप कहें जी ये कैसे कॉर्नर है, तो ये लाइन है एक्स एक्सिस, ये लाइन है एक इनक्वालिटी की, कट किया कॉर्नर पॉइंट बना, ये दोनों आपस में कट किया तो कॉर्नर पॉइंट बना, वो भी कट किया तो कॉर्नर पॉइंट बना। तो कॉर्नर पॉइंट्स के पॉइंट, अगर मैं लफज बोल रहा हूं, पॉइंट अगर लफज बोला जा रहा है, तो इसके तो कोऑर्डिनेट्स भी तो होंगे ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। अब उस कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड करना है, फर्ज करें मैं कहता हूं ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, कॉर्नर पॉइंट्स। अगर वन है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, जो दूसरा कॉर्नर पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, जो तीसरा कॉर्नर पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, जो चौथा कॉर्नर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है। फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस, जहां जहां पर आप टर्न करते हो कॉर्नर आ जाता है, कॉर्नर से मुड़ जाते हैं ना, मोटर बाइक पर जा रहे कॉर्नर आ गया, मुड़ जाए, थोड़ी सी सड़क टेढ़ी हुई, मुड़ना तो पड़ता है ना, तो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। इस पॉइंट कह दिया मैथमेटिक्स में आपने, पॉइंट तो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई, यस कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर मैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट की बात करूं, यानी कि ओरिजिन, तो उसका तो कोऑर्डिनेट बड़े क्लियर है, जीरो जीरो है। सेकंड कॉर्नर पॉइंट जब ड्रॉ किया था, मुझे पता था ये कॉर्नर पॉइंट मैंने जो ड्रॉ किया वो 50 पर है, तो ये भी पता चल गया इसकी एक्स वैल्यू 50 है, वाई वैल्यू जीरो है। थर्ड कॉर्नर पॉइंट पर थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, पहले मैं फोर्थ कॉर्नर पॉइंट ले लेता हूं, इसकी एक्स वैल्यू जीरो है, वाई वैल्यू 80 है, बिल्कुल सही है, और अब सिर्फ एक कॉर्नर पॉइंट रह गया विच इज थ्री। अब देखिए ये बना कैसे है, ये बना है एक इस लाइन से कट करके बना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन से ये बना है। तो आपको जो एक एक, एक बताया था ना इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, किस लाइन का साइमल्टेनियसली हल कर देते हैं, कैलकुलेटर से भी आपको वो बताया गया था कि कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करना है। तो कॉर्नर पॉइंट अगर आपने कैलकुलेट करना है, तो कॉर्नर पॉइंट्स जो है इन दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो मैनुअल, अगर कैलकुलेटर है तो सॉल्व करना, आप उसको डायरेक्टली वैल्यूज पुश करें और सॉल्व कर ले। किया था ना हमने, और शायद आपको याद भी हो कि इस कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू आ रही थी 30 एंड 40, यानी कि अगर आप कैलकुलेटर पिक करते हो और
और कैलकुलेटर से डायरेक्टली इसको सॉल्व करो डायरेक्टली कि आपको अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं लाइक दिस वन, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गई। अब इसके क्वारिन वैल्यूज रखनी है ना, 4, 3, 4, 3, 240, तो 4, 3, 240। नेक्स्ट है 2, 1 और 100। एक दफा पुश किया एक्स आ गया 30, दूसरी दफा पुश किया वाई 40, एक्स 30 वाई 40, ये कॉर्नर पॉइंट भी आ गया। तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट भी आपको जो है वो एग्जैक्टली आपके पास जो है वो अवेलेबल हो गया। तो कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आप किसी भी सॉल्यूशन स्पेस के आइडेंटिफाई करोगे, कॉर्नर पॉइंट्स किसी भी सॉल्यूशन स्पेस के आइडेंटिफाई करोगे, एंड देन उस कॉर्नर पॉइंट को आइडेंटिफाई करके उसके अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो वो भी आपने करने हैं। ये हमें जरूरत पड़ेगी, आपने कहा जी क्यों करने हैं क्या करने हैं, तो जरूरत पड़ेगी हमें। प्रैक्टिस के तौर पे आपने देखना यहाँ पर भी कॉर्नर्स आएंगे लाइक ये वाले, इसके भी चार ही है, बाय चांस इसके चार हैं, 1, 2, 3, 4, 4 कॉर्नर्स इसके आ रहे हैं। और अगर और किसी की बात करें, इसके आ रहे हैं 3, एक ओरिजिन 0, 0, एक ये 300, 0 और एक ये, और इस दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वाला कॉर्नर भी आ जाएगा, तो उसके 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो किसी भी फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस के कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, लाइक इसके कितने हैं, 1, 2, 3, तो इसके भी 3 है, ये तो आसान है। ये ग्रीन लाइन और येलो लाइन देख लेना कौन सी है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। बस जिस लाइनों के इंटरसेक्ट करने से वो पॉइंट बनता है, उनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें तो वो उनके कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे जी। तो आज का टारगेट है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनानी कैसे है, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। इक्वेशनें तो हम पहले भी एफएससी वगैरह में बेशमार हम पढ़ते हैं कि उसमें कह दिया जाता है जी एक टेबल इतने का है, कितने का, तो आप कहते हैं लेट द प्राइस ऑफ अ टेबल, लेट द कॉस्ट ऑफ अ टेबल, तो ये भी वही है, बिल्कुल वही है, सिर्फ फर्क ये रह रहा है कि जी इक्वेशन की जगह हमें इनइक्वालिटी से ही काम अब करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब अ डाइट, उस डॉक्टर ने कोई डाइट प्रिस्क्राइब की है, इन विच टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज, उन्होंने कहा जी आपने खुराक खानी है, खाना खाना है, डाइट लेनी है, लेकिन होती ना कैलोरीज होती हैं, कहता ये एक्सीड नहीं होनी चाहिए 1200 से, इसका मतलब कम हो सकती है ना, कम हो सकती है, 1200 से ज्यादा ये कैलोरीज जो हैं वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। शी इंसिस्ट दैट, रेडी डॉक्टर है, शी इंसिस्ट दैट ट्वाइस, दुगना, ट्वाइस द नंबर ऑफ प्रोटीन कैलोरीज एडेड टू, जमा कर दें, टू द नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज मस्ट इक्वल और एक्सीड 1600। कहता राइट दीज कंडीशंस एज अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, कहता जी कैसे लिखेंगे अगर ऊपर वाली आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हो। सबसे पहले तो डिसीजन करना, क्या करना, डिसीजन ये करना है हाउ मैनी प्रोटीन कैलोरीज और फिर लेना है हाउ मैनी कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज। तो एक्स नंबर ऑफ प्रोटीन कैलोरीज, कितनी प्रोटीन कैलोरी डाइट में रखे, वाई नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज, कितनी कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज डाइट में रखें। अब कह जी ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ें, तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ डाइट इन विच टोटल कैलोरीज, प्रोटीन कैलोरीज को मैं एक्स कह रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज को मैं वाई कह रहा हूं, दोनों कैलोरीज को ऐड करेंगे तो टोटल कैलोरीज आ जाएगी, कैन नॉट एक्सीड, नहीं बढ़ सकती, कम तो हो सकती है, इक्वल भी हो सकती, बढ़ना नहीं है। कहता जी डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि दो कैलोरीज प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जमा किया तो टोटल कैलोरीज बना, वो 1200 से नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो पहली स्टेटमेंट हमने लिख दी दिस वन, कि टोटल कैलोरीज कैन नॉट एक्सीड 1200। दूसरी कंडीशन क्या है, शी इंसिस्ट दैट ट्वाइस, दुगनी, द
नंबर ऑफ प्रोटीन कैलोरीज, प्रोटीन को एक्स कह रहे हैं, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ प्रोटीन कैलोरीज एडेड टू द नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज वाई को कह रहे हैं, क्या कह रहा है, इक्वल आर एक्सीड, उतनी होनी चाहिए या उससे ज्यादा, किससे, 1600, ये दूसरी कंडीशन बन गई दिस वन। इसके अलावा तो कोई नहीं है, लेकिन आपने कहना है जी कि चूंकि ये कैलोरीज हैं, नेगेटिव हो नहीं सकती, जीरो कैलोरी सेंसेबल है तो ये पॉजिटिव ही होंगी, पूरी तरह आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। बाय चांस दो वेरिएबल थे, दो इनक्वालिटीज बनी, लेकिन लाजमी नहीं है कि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इनक्वालिटीज बनती हैं। तो मैंने आपको इनक्वालिटीज डेवलपमेंट सिखा रही है, वैसे सोल्यूशन पहले बता दिया है, अगर कोई सोल्यूशन करना चाहे तो अब आपको पता भी है कि इन सब का सोल्यूशन करना कैसे है। लेकिन फिलहाल ये मैंने वो प्रोसीजर नहीं लिखा मैंने, लेकिन मैंने फौरन कह दिया जी कि अगर आप चेक करें अपनी प्रैक्टिस के तौर पे, इसे ड्रॉ करें, ये 1200 वाला ड्रॉ करें तो ये वाली बनती है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड बनती है, इसको ड्रॉ करें तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड बनती है, और दोनों को अगर आप कॉमन करेंगे तो ये, और जहां तक अगर आप कॉर्नर पॉइंट की बात करें तो इसके तीन कॉर्नर पॉइंट भी बनते हैं। मैंने आपको इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन अलहदा से बताया, कॉर्नर पॉइंट्स कैलकुलेट करना अलहदा से बताया, इनइक्वालिटीज बनाना अलहदा से बताया, तीनों को इकट्ठा करूंगा तो लीनियर प्रोग्रामिंग बन जाएगी। चलें जी एक और प्रैक्टिस करते हैं। अ स्कूल हैज ओनली एनफ मनी टू हायर एट मोस्ट 300 टीचर्स, उनके पास कुछ पैसे हैं टीचर हायरिंग के लिए, कितने पैसे हैं जिनसे, क्या कितने टीचर वो रख सकते हैं, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 300 टीचर वो हायर कर सकते हैं, इसका मतलब उनके पास बस इतना फंड है जिससे ज्यादा से ज्यादा 300 टीचर रख लें, कम रख लें कोई खर्च नहीं। मैं आपको कहूंगा आपके पास खर्च करने के लिए 300 है, खरीदारी कर लो, आपने कहना जी कि मैं 300 की खरीदारी कर सकता हूं, गलत कह रहे हो, आप 300 से कम की भी कर सकते हो, ये नहीं कर सकते क्या 300 से ज्यादा, ठीक है ना, मतलब समझने की कोशिश करें ना। मैं कहूंगा 300 रुपया है, कितने तक खरीदारी कर सकते हो, आप में कहूंगा 300 और लेस, ठीक है ना। ईच टीचर, जो टीचर हायरिंग करनी है, हैज इधर एमएससी डिग्री और बीएससी डिग्री, वो जो टीचर हायरिंग करेंगे या तो उनकी डिग्री एमएससी होनी चाहिए या उनकी डिग्री बीएससी होनी चाहिए। द स्कूल बोर्ड डिजायर्स दैट एटलीस्ट 1/3 ऑफ इट्स टीचर्स हैव द एमएससी डिग्री, एक्सप्रेस दीज कंडीशंस एज अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। उन्हें दो तरह के टीचर चाहिए, एमएससी डिग्री टीचर्स भी चाहिए, बीएससी डिग्री टीचर्स भी चाहिए, टोटल टीचर 300 से ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, लिख दिया मैंने, एमएससी टीचर प्लस बीएससी टीचर एट मोस्ट 300 का मतलब है 300 आर लेस। सेकंड, एमएससी टीचर कहते कितने होने चाहिए, एमएससी टीचर उसने एक्स कहा हुआ है, एटलीस्ट कम अज कम, आज फैसलाबाद का टेम्परेचर कम अज कम 40 रहा, आपने कहा 40 से नीचे नहीं गया, 40 रहा या उससे भी ऊपर गया है, उसने कहा टीचर एमएससी भी रखने हैं, ये ना हो सारे बीएससी रख लो, एमएससी भी रखने हैं, वो कितने कहता रखने हैं, एटलीस्ट कम अज कम 1/3, तीसरा हिस्सा, किसका 1/3 ऑफ इट्स टीचर्स, आपने फौरन कहना जी 300 रखने हैं, मैंने तो नहीं कहा 300 रखने हैं, मैंने कहा 300 तक रखने, उससे कम भी रख सकते हैं, आप फर्ज करें अगर आप कहते हैं जी हम 99 टीचर रखने हैं तो उसका 1/3, उसका तीसरा हिस्सा एमएससी रखो बाकी बीएससी रख लो, अगर कहें जी 200 रखना है उसका तकरीबन तीसरा हिस्सा राउंड ऑफ करके एमएससी रखो बाकी बीएससी रख लो, रखने ही तीन टीचर है, एक एमएससी रखो बाकी दो हिस्से जो है वो बीएससी रख लो, तो ये तो नहीं पता कितने रखने हैं, बस इतना पता 300 से एक्सीड नहीं करना, तो फिर टोटल टीचर ये हुए ना, टोटल टीचर्स ये हुए 300 नहीं, तो ये दूसरी इक्वालिटी बन गए, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, टीचर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो सेट ऑफ इनइक्वालिटी। ऑल्दो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा है जी इसको लिख दें, अगर कोई सोल्यूशन की जानब कहना चाहेगा तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, और इस वक्त भी इसके तीन कॉर्नर पॉइंट्स बन जाएंगे, तीन कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो बन जाएंगे। नेक्स्ट वन है, द स्वीट स्मेल फर्टिलाइजर कंपनी मार्केट्स बैग्स ऑफ मैन्योर खाद लेबल्ड, उसके ऊपर लेबल लगा हुआ, क्या लगा हुआ, नॉट लेस देन 60 पाउंड ड्राई वेट,
पाउंड वजन का यूनिट, कहता जी इस बैग का वजन 60 से कम नहीं है। और दुकानदार को लेते हैं, ओ यार कहीं कम तो नहीं निकलेगा, और नहीं बाबूजी फिक्र ना करो 2 kg तक काट नहीं होगा, पूरा बाद ही होएगा, कहता है ना ये लिखा हुआ है नॉट लेस देन 60 pounds ड्राई वेट। कहता जी मैन्योर है, खाद है, कंपनी पैक कर रही है और उसके ऊपर बैग के ऊपर लेबल लगे हुए हैं नॉट लेस देन 60 pounds ड्राई वेट। द पैक मैन्योर, जो मैन्योर खाद बनाई गई है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोस्ट एंड सीवेज वेस्ट, दो मटेरियल से बनी है। उस खाद में मैन्योर में कंपोस्ट है एंड सीवेज, वो जो सीवेज वगैरह की वेस्ट है उससे बनाई गई है। ओके, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर, मैन्योर फर्टिलाइजर, ईच बैग, हर बैग में कहता क्या होना चाहिए, एटलीस्ट कम अज कम 30 pounds ऑफ कंपोस्ट। दो चीजों से मिलकर फर्टिलाइजर बननी है, कहता ये जो फर्टिलाइजर बनाए उसमें कम अज कम 30 pounds वजन के यूनिट कंपोस्ट जरूर रखें, बट नॉट मोर देन 40 pounds ऑफ सीवेज। कहता सीवेज ज्यादा मिकदार में नहीं डालने आपने, कितने 40 pounds से ज्यादा नहीं डालने। कहता जरा इसको सिस्टम ऑफ इक्वालिटीज में लिखे। सबसे पहला काम आपने ये ढूंढना होता है कि जी किस क्या किसकी बात हो रही है। यहां उसने आपसे पूछा हुआ है कि जी कितना आपने सीवेज वेस्ट यूज करना है और कितना आपने जो है वो कंपोस्ट यूज करनी है। तो दो डिसीजन करने हैं, नंबर ऑफ पाउंड्स ऑफ कंपोस्ट, नंबर ऑफ पाउंड्स ऑफ सीवेज वेस्ट। पहला नॉट लेस देन 60 pounds ड्राई वेट, किसका, फर्टिलाइजर का, वो किससे बनेगी, दोनों को कंबाइन करेंगे फर्टिलाइजर बनेगी, वो 60 pounds से ऊपर होनी चाहिए। सेकेंड, जो आपके पास एटलीस्ट 30 pounds ऑफ कंपोस्ट होनी चाहिए, तो जो कंपोस्ट है वो कितनी होनी चाहिए, कम अज कम 30 या उससे ज्यादा, नॉट मोर देन 40 से नहीं बढ़नी चाहिए, फिर कितनी होनी चाहिए। आप कहते हैं ना जी, आपके कहते हैं घर वाले कहते हैं यार 2 घंटे से ज्यादा नहीं तुम्हें बाहर लगने चाहिए टाइम, इसका मतलब 2 घंटे या उससे पहले पहले घर आ जाना आपने। तो इसी तरह से वो यही कह रहा है कि आप नॉट मोर देन 40 pounds, 40 से ऊपर नहीं जाना उसमें आप रखने। और ये इनक्वालिटीज बनाना हो, स्केच करना हो, तो आप उसको 3 inequalities आ रही ना, 1, 2, 3, 1, 2 और 3, और ये वाला कॉर्नर पॉइंट्स बन जाएंगे, ये बल्कि कॉर्नर पॉइंट्स जी 60-60 बिल्कुल 60-60, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके ये कॉर्नर नहीं बनेगा, बल्कि सॉरी ये तो चलता जाएगा, ये कॉर्नर नहीं बनेगा, सॉरी एक ये कॉर्नर बनेगा, वो ग्राफ जो के एंड हुआ ना वहां पर, एक ये कॉर्नर बनेगा और एक कॉर्नर जो है वो ये बनेगा, और लाइन जो है वो इधर चलती जा रही है, तो ये इधर एक्सपैंड होता जाएगा ऐसे करके, ये एक्सपैंड होता जाएगा ना बस इधर तक, और ये लाइन जो है वो चलती जाएगी, तो इसके नीचे 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 ये सारा चलेगा। नेक्स्ट वन है, अ फैक्ट्री इज प्लानिंग टू बाय सम मशीन्स टू प्रोड्यूस बॉक्सेस, वो बॉक्सेस उन्होंने प्रोड्यूस करने हैं, एंड हैज अ चॉइस ऑफ B1 और B9 मशीन्स, ₹9.6 million हैज बीन बजटेड फॉर द परचेज ऑफ मशीन्स, मशीनें खरीदने के लिए उनके पास पैसे हैं वो 9.6 million है। B1 मशीन, ये मशीन की टाइप कह लें, जैसे नहीं ये पेंटियम 4 है जी, 3 है, 5 है, कोर 2 है, इस तरह से, तो मशीन 1.1, उसकी एक मशीन जो है वो 0.3 मिलियन की आती है, उसको मेंटेन करने के लिए 25 घंटे टाइम चाहिए और उसको रखने के लिए 50 स्क्वायर मीटर का फ्लोर एरिया चाहिए। मशीन आती 0.3 मिलियन की है, 25 घंटे उसको, आप कहीं 24 घंटे होते हैं, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, जितना भी प्रोडक्शन पीरियड होता है, मे बी 2 माह 3 माह 4 माह, तो उसमें 25 घंटे टोटल उसको मेंटेन के लिए चाहिए, और 50 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया चाहिए, मशीन का साइज कुछ इतना बड़ा है। अब दूसरी मशीन की बात कर रहा है, कहता है उसकी कॉस्ट 0.6 मिलियन, उसको रखने के लिए 0.10 और मेंटेनेंस एंड 60 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया। इफ टोटल फ्लोर एरिया ऑफ 1000 स्क्वायर मीटर, मेंटेनेंस टाइप ऑफ 400 आवर्स अवेलेबल फॉर ईच वीक, एक्सप्रेस दिस कंडीशन एज अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। बताना यह है कि कितनी मशीन्स वो खरीद ले, कौन कौन सी, B1 टाइप की, B9 टाइप की, कि वो बजट के अंदर रहे, वो मेंटेनेंस टाइम के अंदर रहे, जो कि 400 घंटे अवेलेबल है,
फ्लोर एरिया से नहीं बढ़े जो कि 1000 स्क्वायर मीटर अवेलेबल है। बी वन की एक मशीन, बी वन की मशीन कितनी खरीदनी है एक्स, बी नाइन की कितनी मशीन खरीदनी है वाई। पहली कंडीशन जो है वो बजट के ऊपर लगानी है हमने, तो उसकी एक मशीन आती है 0.3 मिलियन की, हमने उसकी एक्स मशीनें खरीदनी है, एक्स मीन दो खरीदनी है, तीन खरीदनी है, पांच खरीदनी है। आप कहेंगे यूनिटी मेथड है ना, 0.3 की एक मशीन आती है, बताएं जी कितनी लेनी, 10, आप कहें जी 10 एक्स, तो आप कहें जी एक्स, और फिर मशीनें खरीदनी है वाई बी नाइन की, ये आपको टोटल एक्सपेंडिचर होगा कितना कर सकते हैं, बजट से कम ही या बजट जितना, इक्वल और लेस। सिमिलरली एक मशीन जो है वो 25 मेंटेनेंस आर रिक्वायर कर रही है, एक्स मशीनों के लिए इतने मेंटेनेंस आर चाहिए, दूसरी मशीन जो है वो 10 आर्स मेंटेनेंस रिक्वायर कर रही है, उसके लिए कितने चाहिए 10 वाई, तो टोटल मेंटेनेंस आर जो है वो 400 से नहीं बढ़ने चाहिए। एक मशीन 50 स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया रिक्वायर करती है, एक्स मशीनों के लिए इतना फ्लोर एरिया चाहिए, वाई मशीनों के लिए इतना फ्लोर एरिया चाहिए, टोटल फ्लोर एरिया 1000 से नहीं बढ़ना चाहिए। ये बन गए सिस्टम ऑफ इनक्वालिटीज। अगर सोल्यूशन की बात करें, याद है ये पहले भी मैंने बनाया था, तो इसके ये वाले कॉर्नर है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर ये है, दिस इज द कॉमन सोल्यूशन स्पेस। हाँ, तो उसके और ये भी एक कॉर्नर लाइक दिस वन, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 इसके जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। मैंने आपको एनफ प्रैक्टिस कर दी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सारे चीजें पूरी हो गई एक एक करके। अब आपको इनक्वालिटी बनाना आती है, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है वो बस एक काम रह गया है, इनक्वालिटीज बनानी आ गई, प्रॉब्लम डेवलपमेंट तो आपको मैंने बहुत पहली स्लाइड में बताई थी, पहली स्लाइड में आपको प्रॉब्लम डेवलपमेंट बताई थी, हाउ टू डेवलप द एलपी प्रॉब्लम, टेक डिसीजन, कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट कंस्ट्रेंट एंड देन सॉल्व इट। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम एक फुल फ्लेज अपना प्रॉब्लम्स करेंगे। मैं सिर्फ रिव्यू आपको विजिट करवाने लगा हूं कि ये मेरे पास एक प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम आपने पहले लेक्चर स्लाइड को देखें, ये उसमें है, पहला काम ये वही है, मैंने वो डिसीजन वेरिएबल्स बना दिए, ये देखें डिसीजन वेरिएबल्स बना दिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया, कंस्ट्रेंट बना दिए, आप कहेंगे ये ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखे क्या कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, हाँ ये भी आपको आता है, ये ले ड्रॉ हो गए, ये भी आपको आते हैं, फिर कॉर्नर पॉइंट्स बनाए हुए हैं वो भी आपको मैंने सिखा दिए हैं कि हाउ टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स, तो इसका मतलब सारा कुछ तो कर लिया, बस चीजें जोड़ने वाली रह गई हैं, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। सब लीनियर प्रोग्रामिंग की जितनी चीजें हैं आपको मैंने सेपरेट सेपरेट इनइक्वालिटी सिखाई है, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम था, ये देखें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने बना दिया, फिर कंस्ट्रेंट बना दिए एक, फिर कंस्ट्रेंट बना दिया, इनइक्वालिटीज बना रहा हूं ना, कंस्ट्रेंट वो बता देते हैं क्या है, इनइक्वालिटी बना दिया, ये सारा कुछ कर दिया और फिर उसी तरह से लाइनें लगाई, हाँ ये भी आपको सिखाई हुई, बल्कि ये प्रॉब्लम अगर नोट करें ना तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने यही आपको सिखाए हुए हैं। तो यहां पर आपको प्रॉब्लम सिखा दिए, फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस बना दिया, कॉर्नर पॉइंट्स सिखाए है ना, कॉर्नर पॉइंट्स ये देखें, ये कॉर्नर पॉइंट्स बना लिए, बस ये चीज आपको बताने वाली है, और देन फाइनली डिसीजन कर दिया कि जी ये हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या, लेट सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है ना, तो ये सॉल्व हो गई, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने करना है अगेन प्रॉब्लम्स, जो आपको पता है कि हम किस फॉर्मेट से चल रहे हैं, आपको आपको लेक्चर सुनने, आप समझ लें आपका लेक्चर होता है बस 9 बजे या 10 बजे यूनिवर्सिटी टाइमिंग नहीं, बल्कि आपकी मर्जी है, जब मर्जी अपने आप को समझ लें कि हमारा लेक्चर होना है, जब फारग हुआ लेक्चर टीचर का पढ़ ले, इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी बेहतर क्या हो सकती है, अदरवाइज टीचर फोर्स करता जी आपकी 9:40 पे क्लास है, 10 मिनट लेट हो गए मैं क्लास बंद कर दूंगा, आपको अंदर नहीं आने दूंगा, चीजें आधी याद रहती हैं आधी भूल जाती हैं क्लास में बैठे हुए, कभी कभी नींद आ जाती, यहां नींद आ जाए तो बंद कर दीजिएगा, टीचर को कह दीजिएगा जी जब मैं जागूंगा तो फिर आपको मैं सुनूंगा, ठीक है जी आपकी मर्जी है, अल्लाह ताला ने आपको ये फैसिलिटी दी है, एंजॉय करें इसको, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पेरेंट्स का अपने फेलोज का ख्याल कीजिएगा, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिएगा।